राजस्थान के हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में प्रधानमंत्री ने भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने राजस्थान में बढ़ते नशे के कारोबार पर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार के कुशासन और भ्रष्ट रवैये को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि युवाओं का जीवन बचाने के लिए भाजपा सरकार बनते ही नशे के कारोबारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये नशा हमारे बच्चों को ही नहीं, हमारे भविष्य को भी तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, एक एक परिवार को बर्बाद कर देगा। मैं आपको भरोसा देता हूं, यहां भाजपा सरकार बनते ही नशे के तस्करों पर ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी। इसे सुनकर के, देख करके और लोग भी कांप जाएं, इतनी कठोरता से काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के पाली और हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पाली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दलितों और महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति में माहिर है, इसलिए कांग्रेस को सबक सिखाना जरूरी है। तुष्टिकरण की राजनीति का असर क्या होता है, इसको राजस्थान ने बीते 5 वर्षों में झेला है। कांग्रेस ने राजस्थान को दंगों में झोंक दिया। दंगों और आतंक की मानसिकता रखने वाले के हौसले बुलंद हो गए। सौहार्द की इस धरा पर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनके बारे में कभी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। ऐसी विकृत मानसिकता वाली कांग्रेस को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के बारे में सोचती है। कांग्रेस की महिला और दलित विरोधी सोच घमंडिया गठबंधन के लोग समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ऐसे लोगों का विरोध नहीं किया। कानीवाड़ा में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। उस हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में पीढ़ियों से दलित समाज के ही पुजारी होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और सब लोग जाकर के वहां आशीर्वाद लेते हैं, प्रसाद आरोग्य करते हैं। ऐसी प्रेरणादायी भूमि पर कांग्रेस के संरक्षण में दलितों को निशाना बनाया जा रहा है। आप देखिए, महिलाओं और दलितों को लेकर ये कैसी कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही बिहार में गमंडिया गठबंधन के एक नेता, वो वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दलित समाज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ऐसी अभद्र भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे थे।